नाजरीन ये देखें, इस वक्त हम कुम्हराट के आखिरी पॉइंट पे मौजूद हैं जिसका नाम है ग्लेशियर, इसको कहते हैं ये लोकल लोग। और यहाँ से आगे देखें कोई सड़क नहीं जाती, कोई सवारी नहीं जाती, क्योंकि दरमियान में वाटरफॉल भी है, कोई सवारी गुजर नहीं सकती। तो इससे आगे लोग हाइकिंग करके जाते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो बहुत दूर से ही वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे आके जो खूबसूरती है, जो पानी की खूबसूरती है, पानी का जो कलर है वो आप देख सकते हैं, दिस इज ग्रीन वाटर, ये देखें। और अल्लाह का निज़ाम है कि आप ये देखें कि नीचे ग्रीनरी है सारी और ऊपर खुश्क पहाड़। ये नज़ारे को चार चांद लगा देते हैं, नीचे ग्रीन वाटर और ये देखें तेज़ी से बहता हुआ कुम्हराट की तरफ जा रहा है। और उसके आगे फिर एक इलाका आता है थल, उसके बाद श्रृंगल, उसके बाद जो है दीर बाला, फिर दीर लोअर, फिर आपका आता है जनाब अली तेमरगढ़। तो ये हमारी, आप ये देखें ये वो जगह है जहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं ये जो नज़ारा इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी हमारी बैक पे है, मतलब हम इसलिए नज़ारा पीछे छोड़ रहे हैं, ये पहाड़ हमारे पीछे हैं। और आप ये देखें कि क्या खूबसूरत नज़ारा है, ये देखें वाटरफॉल, ये वाटरफॉल जो है यहाँ से होता हुआ, ये देखें यहाँ से ये ग्लेशियर से ऊपर से पानी आ रहा है। और ये जितना इसकी स्पीड है पानी की, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पे कोई सवारी इधर से गुजर नहीं सकती। तो ये देखें ये लोकल लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ये एक पुल बनाया हुआ है, यहाँ से लोग गुजरते हैं। ये देखें ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, और कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये देखें ये पानी कितनी खूबसूरती के साथ जो है, इस दरिया का नाम नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, इस दरिया का नाम है दरियाए पशपोड़ा, इसको कहते हैं पशपोड़ा। तो ये दिस वॉज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस, लाइक मुझे नहीं पता था कि इसका असल नाम क्या है इस दरिया का। इसको वो लोकल जब हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा इसका नाम है जी पशपोड़ा, एंड दिस वॉज नो स्ट्रेन सा नाम है लेकिन अच्छा लगा सुन के। आप ये देखें ये खूबसूरती है इस वैली की। और अभी तक जो हमने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया है वो ये है कि अभी तक यहाँ पे इस खूबसूरती को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं आ सकते या आते नहीं हैं। सो यू जस्ट नीड टू कम हियर एंड एन्जॉय द मोमेंट्स। थैंक यू।